शायद उस बड़ी नाव पर होंगे जो मुझे दिखी थी। बचाओ, बचाओ, एक बड़ी बिल्ली हमें खाने वाली है। हे, तुम दोनों ठीक हो ना? वो हमें मार डालेगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। और तुम बिल्ली नहीं हो, ये जानकर खुशी हुई। ये लो तुम्हारी टोपी। तुम कौन हो? मैं सैम हूँ और मैं यहाँ अपनी आजादी की तलाश में आया हूँ। हाँ, मेरा नाम पतलू है और ये मेरा दोस्त मोटू है। और क्या जानना चाहती हो? हमें एक बात काफी मिलती जुलती है, हमने भी अपनी नाव आजादी के लिए छोड़ दी। अच्छा, तो क्या अब हम दोस्त हैं? हाँ, सुनकर अच्छा लगा। यहाँ पे कोई और नहीं है, वैसे हम हैं कहाँ पर? मुझे इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम यहाँ जी भर के जी सकते हैं। ये बात तो ठीक है, पर खाने के लिए कुछ मिला? हाँ, ऐसी आज़ादी किसे चाहिए जिसमें खाने के लिए कुछ मिले ही नहीं। नाव पे चढ़ने से पहले हम कुछ खा भी नहीं पाए और अब पेट में खलबली मची है। खाना तो नहीं मिला मुझे, पर भौंकने जितनी शक्ति है मुझ में। संतरा है उधर। लेकिन वो हमें क्यों देगा? नहीं, मेरे गेंद को हाथ मत लगाना। गेंद? मुझे लगा कोई फल है। क्या तुम यहाँ पे नए हो? काश मैं भी उसकी तरह उड़ पाता, इसे कहते हैं आजादी। वो कुछ भी देख सकती है। संभल के। अरे तुम दोनों चिड़िया से डर गए? मुझे कुछ कहना है। मुझे भी। हाँ, कुछ मिल सकता है खाने को? क्या तुम खाना ढूंढने में हमारी मदद करोगी? मैं ना, तुम्हें भूख लगी है क्या? तो चलो जंगल की तरफ। सच में वहाँ कुछ मिलेगा क्या खाने को? हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हम जंगल में किसी का भी शिकार बन सकते हैं। अंदर शेर भी हो सकता है। नहीं नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए। परेशान मत हो, मुझे जंगल का रास्ता पता है और मेरे वहाँ पर दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो बुरा नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, वो सब बहुत अच्छे हैं। अब तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। क्या जंगल में पनीर मिलेगा? नहीं, पर मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ खाना मिल जाएगा। हमें यहाँ रुक कर दूसरे जहाज का इंतजार करना चाहिए। पर मुझे भूख लगी है। फिर तो अंदर जाना ही पड़ेगा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं दोस्तों? हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। तो चलो मेरे पीछे आओ, ठीक है? चलो। हाँ,
और कितनी दूर जाना है? मुझे समंदर की याद आ रही है। कम से कम वहाँ खाने के लिए पकवान तो थे, पर उस बिल्ली से तो पीछा छूटा। मुझे उस किनारे पे वापस जाना है। पहले ही खाने को कुछ नहीं था, पर कम से कम वहाँ आजादी तो थी। चलो, बस और थोड़ी दूर। तुम दिख नहीं रही हो मैना। सच में? तुम भी मेरी आवाज के पीछे आओ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये तुम हो? मैं गाना गाऊंगी, तुम पहचान जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। ये जगह ठीक नहीं है। मजाक मत करो। चलो भागो यहाँ से। तुम कहाँ चले गए थे? एक अजीब से पौधे ने मेरी गेंद खा ली थी। तो ये बात है, लगता है हम खो गए हैं। खो गए? मैना की आवाज भी नहीं आ रही है और कहीं दिख भी नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है हमें छोड़कर। उम्मीद है हमें भूली नहीं हो वो। अब मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ खाने की किसको पड़ी है? कम से कम आजादी तो है। मेरे पेट को समझ नहीं आता। वो मैना ही है ना? हाँ। यहाँ क्यों रुक गए? चलो। जान बच गई। सीधे चलते रहो, बस पहुँचने वाले हैं। बस सामने ही है। एलेक्स, एलेक्स, दरवाजा खोलो। बोलो मैना। तुम्हारे यहाँ तीन मेहमान आए हैं, बहुत भूखे और थके हुए हैं। ये लोग कौन है मैना? तुम्हें कहाँ मिले? मुझे ये समंदर किनारे मिली थी, खाने और आजादी की तलाश में। तुम यहाँ सुरक्षित हो, एलेक्स सबकी मदद करती है। कैसे हो दोस्तों? मैं एलेक्स हूँ, जंगल की वैद्य। मेरा नाम सैम है। ये मेरे नए नवेले दोस्त मोटू और पतलू हैं। हम आज ही मिले हैं। मैना कह रही है तुम लोग भूखे हो? हाँ। बहुत भूखे। हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। भूख से मेरा पेट पिचका जा रहा है। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ, खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। एक वैद्य के पास कुत्ते के खाने के लिए क्या होगा? जो भी हो बस स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? मूंगफलियाँ भी चलेंगी। ये शायद काफी होगा। यहाँ इंतजार करने से अच्छा है कि मैं गाना गाऊं। बेट, शायद मैं तुम्हारे गाने पे भी ध्यान ना लगा पाऊं। बस वो कहीं खाने के लिए हमारे लिए सूखी घास ना ले। मैं आ गई। जल्दी करो एलेक्स, बहुत भूख लगी है। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये मोटू और पतलू के लिए, ये तुम दोनों के लिए काफी होगा। और सैम, मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ लाई हूँ। ये मुझे समंदर किनारे मिली थी, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। खा के देखो। मजा आ गया। तुम कितनी अच्छी हो एलेक्स। शुक्रिया। तुम जाकर बच्चों को ले आओगी? बस अभी आई। मेरी बात सुनो सब। मुझे आज समंदर किनारे तीन दोस्त मिले। मैं उन्हें एलेक्स के पास ले आई और वो चाहती है कि तुम उन सब से मिलो। क्या तुम सब मेरे साथ चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर चलो एलेक्स के पास। चलो।
डरो मत दोस्तों, वो सब जंगल के दोस्त हैं। क्या तुम सब किनारे से आए हो? कह सकते हो? हाँ। अरे ये कैसा फल है दोस्त? फल नहीं है, ये गेंद है। अच्छा तो ये किस काम आती है, खेलने के? हाँ मैं इससे खेलता हूँ। ए जरा रुको, तुमसे इंसानों जैसी गंध क्यों आ रही है? हाँ क्योंकि पहले मैं इंसानों के घर में रहता था इसलिए। तुम्हारा मतलब तुम एक पालतू थे? हाँ लेकिन मुझे आजादी चाहिए थी तो मैं वहाँ से भाग आया, इसलिए यहाँ हूँ। कितने लंबे पैर है इसके। हाँ सच में, और मजबूत भी। क्या ये सच है कि तुम बड़ी नाव से उतरे हो? वही से, हम नाविक हैं। हर साल हम समुद्री लुटेरे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमने कप्तान की बिल्ली की वजह से जहाज छोड़ा। बिल्ली के मैजिक चूहे कैसे खेलेंगे? मेरे साथ चलो, घबराओ मत। ये जगह थोड़ी पुरानी है लेकिन तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। शुक्रिया एलेक्स। ये जगह अच्छी है एलेक्स, पर दरवाजा थोड़ा छोटा है। हाँ तो मुझे देखने दो। माफ करना। क्या मुझे भी यही सोना होगा? नहीं सैम। अरे मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम भी खेल सकते हैं। नहीं ये सिर्फ मेरा है। अच्छा तो तुम ही रखो इसे। चलो अब, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ मिलेंगे।